तो आ गए आप। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में न्यू लॉन्च होने वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहन और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नीशियन। दोस्तों इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, मतलब कोई किसी भी तरह का पोल्यूटन नहीं निकालती है और हाईली इफिशियंट होती है। मतलब इसका रनिंग कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब 25 पैसा पर किलोमीटर हिसाब से हम ट्रैवल कर सकते हैं। पेट्रोल के गाड़ी से हम इसे कंपेयर करें तो ये बहुत ही कम अमाउंट है ट्रैवलिंग करने के लिए। दोस्तों आज की स्थिति में देखा जाए तो ई बाइक्स इलेक्ट्रिक बाइक्स ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट पेट्रोल की जो बढ़ती हुई प्राइस देख के तो हमें तो ऐसा लग रहा है भाई कि आने वाले दिनों में यही एक ऑप्शन बचने वाला है कि ई बाइक यूज़ करो, वरना ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल डाल के गाड़ी भगाओ। दोस्तों आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रिवोल्ट RV 400 के बारे में। तो दिखने में ये बाइक तो डुगाटी जैसी दिखती है और इसका लुक भी एग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी है और भागने में तो ये लाजवाब गाड़ी है। ये इंडिया की सबसे पहली AI इनेबल्ड बाइक है जिसमें इनबिल्ट 4G सिम भी है, GPS भी है। आप इस बाइक को ट्रैक भी कर सकते हैं, आपका कोई भी फ्रेंड इस बाइक को ले जाए तो आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं, बाइक को मोबाइल से कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप घर में हो तो बाइक बाहर, बाइक जहां कहां भी हो उसे ऑन ऑफ कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, सब कुछ इसमें फैसिलिटीज मिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं रेंज के बारे में। रेंज मतलब होता है क्या कि सिंगल चार्ज में ये गाड़ी कितना किलोमीटर जा सकती है, उसकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, कि ये बाइक कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। इस बाइक की जो रेंज है वो 156 किलोमीटर है। और टॉप स्पीड के बारे में बात की जाए तो इसका स्पीड 85 km/h है, जो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। नॉर्मल यूज़ के लिए 85 km/h बस ही हो जाता है यार। आगे बात करें तो कंपनी बोलती है कि इसे चार प्रकार से चार्ज किया जा सकता है। पहला वाला है उसमें प्लगइन सिस्टम है। प्लगइन सिस्टम मतलब गाड़ी को डायरेक्टली चार्जर से कनेक्ट करो और गाड़ी चार्ज हो जाएगी। इसमें मिनिमम 4 घंटे तो लग जाएंगे। इसलिए दूसरा जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि हम गाड़ी के साथ एक्स्ट्रा एक बैटरी ले सकते हैं और वो बैटरी घर में चार्ज करके जब हमारे गाड़ी के अंदर जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद हम नया बैटरी उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो पोर्टेबल बैटरी सिस्टम है वो हम इजीली बैटरी निकाल भी सकते हैं और इजीली पुटअप भी कर सकते हैं। तीसरा जो टाइप है वो स्वैप सिस्टम है, मतलब कंपनी बोलती है कि कंपनी शहरों में ऐसा स्टेशन बनाने वाली है वहाँ आप जहाँ आप जाके अपनी डिस्चार्ज बैटरी जो है वो वहाँ दे के एक नया चार्ज बैटरी ले सकते हैं। चौथा सिस्टम कंपनी ने बताया है कि वो कंपनी बैटरी डिलीवरी सिस्टम खड़ा करने वाला है, जहां आपकी गाड़ी रुक जाए वहां तक वो कंपनी आपको बैटरी प्रोवाइड करेगी। सबसे ज्यादा खास बात इस गाड़ी में ये है कि इसको एग्जॉस्ट साउंड है। इलेक्ट्रिक बाइक्स को एग्जॉस्ट साउंड नहीं होती है मित्रों, लेकिन इस गाड़ी को एग्जॉस्ट साउंड कंपनी ने फिट किया है। एक नहीं तो 4 टाइप के एग्जॉस्ट साउंड इसमें इनबिल्ट है। आप कौन सा भी साउंड जो है वो यूज कर सकते हैं, किसी भी राइडिंग में कौन सा भी साउंड यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 1 लाख से 1.2 लाख इतना है। दोस्तों अब बात करते हैं Emflux 1 के बारे में, जो दूसरी गाड़ी है जो इंडिया में लॉन्च होने वाली है। ये दिखने में तो KTM RC की जैसी दिखती है, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी और अग्रेसिव लुक है इसका। और इसके स्पेसिफिकेशन देखे जाए तो ये लगता है सुपर इलेक्ट्रिक बाइक होने वाली है इंडिया की। तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशन देखते हैं। इसका जो टॉप स्पीड है वो 200 km/h है और उसकी जो रेंज है वो भी 200 km है, मतलब ये सिंगल चार्ज में 200 km तक जा सकती है। और खास बात ये है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो फरारी से भी फास्ट है, मतलब 3 सेकेंड्स में ये 100 का स्पीड पकड़ सकती है। और इसके बात करें बैटरी चार्जिंग स्पीड की तो ये 36 मिनट में 80% बैटरी चार्ज होती है। इस बाइक के मोटर के बारे में बात की जाए तो इसमें 71 HP का मोटर है जो 84 Nm इतना टॉर्क जनरेट करता है। ये बहुत ही ज़्यादा टॉर्क है हमारे लिए। और कंपनी क्या बोलती है कि इसका फुल पावर हमने अनलॉक नहीं किया है, फुल पावर अनलॉक करने के बाद बाइक कितना तेज भागेगी वो उनको ही पता। तो दोस्तों इसमें बैटरी के बारे में बात की जाए तो इसमें 5.7 किलोवाट आवर की बैटरी इंस्टॉल्ड है। दोस्तों इसका एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो 6 लाख इतना है। दोस्तों आगे बात करते हैं टॉर्क T6X के बारे में। टॉर्क T6X ये दिखने में होंडा हॉर्नेट जैसी दिखती है, थोड़ी स्पोर्टी है, थोड़ा अग्रेसिव लुक है इसका। और इसका जो टॉप स्पीड है वो 100 km/h है, काफ़ी है हमारे लिए इतना। उसके बाद इसका जो रेंज है वो 100 km है, मतलब ये सिंगल चार्ज में 100 km इतना डिस्टेंस कवर कर सकती है। इसकी जो बैटरी है वो 60 मिनट्स में 80% चार्ज हो सकती है, वो क्विक चार्जिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।